वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, जैसे नंबर एक पे ओनियन, ऑनियन का मतलब क्या होता है? प्याज। ऑनियन का मतलब क्या होता है? प्याज। O-N-I-O-N, ऑनियन। ऑनियन का मतलब क्या होता है? प्याज। O-N-I-O-N, ऑनियन। ऑनियन का मतलब क्या होता है? प्याज। O-N-I-O-N, ऑनियन। ऑनियन का मतलब क्या होता है? प्याज। P-E-A-S, पीच। पीच का मतलब क्या होता है? मटर। P-E-A-S, पीच। पीच का मतलब क्या होता है? मटर। P-E-A-S, पीच। पीच का मतलब क्या होता है? मटर। C-A-R-R-O-T, कैरेट। कैरेट का मतलब होता है गाजर। कैरेट का मतलब होता है गाजर। कैरेट का मतलब क्या होता है? गाजर। उसके बाद है T-O-M-A-T-O, टमेटो। टमेटो यानी टमाटर। टमेटो यानी टमाटर। टमेटो यानी टमाटर। ओनियन O-N-I-O-N, ओनियन। ओनियन यानी प्याज। P-E-A-S, पीज यानी मटर। C-A-R-R-O-T, कैरेट यानी गाजर। T-O-M-A-T-O, टमाटर। टमाटो यानी टमाटर। अब करते हैं बात गणित में। गणित में आपको कराया जा रहा है आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखने का। जैसे सवाल दे दिया जाए 12, 8, 5, 15, 17 और 11, तो बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम में। दूसरा दे दिया जाए 27, 35, 22, 16, 18, 29, यानी बढ़ते क्रम में हम लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम, सबसे पहले छोटी संख्या, सबसे 12, 8, 5, 15, 17, 11 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5। इसके बाद में 12, 8, 15, 17, 11 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 8। बढ़ते क्रम में, फिर 12, 15, 17, 11 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 11। बढ़ते क्रम में, फिर 12, 15, 17 इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। उसके बाद 15 और 17 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 15। उसके बाद लास्ट में 17। ठीक है, अब बच गए 27, 35, 22, 16, 18, 29 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 16। तो सबसे पहले आ जाएगा 16। अब उसके बाद 27, 35, 22, 18, 29 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 18। ठीक है, उसके बाद 27, 35, 22, 29 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 22। ठीक है, उसके बाद 27, 35, 29 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 27। उसके बाद 35, 29 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 29। उसके बाद 35। तो इस प्रकार से आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटी संख्या, फिर उससे वो बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, आगे से आगे बढ़ते क्रम में हमें लिखना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम। जिसे हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम। एक सवाल आपको मैं डाल रहा हूँ जो आपको घर से अपने आप आरोही क्रम में करना है, एच डब्ल्यू समझ लीजिए। जैसे यहाँ लिख दिया जाए 35, 49, 52, 28,
26, 13, इनको आरोही क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।